हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है स्टॉक मार्केट चैंपियन। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दीपक नाइट्राइट शेयर के बारे में, जिसमें एक गुड न्यूज निकल के सामने आ रही है। वो गुड न्यूज क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा फ्यूचर में, क्या शेयर प्राइस इसका 4,000 का हो जाएगा, हो जाएगा तो कितने समय में होगा, क्या इसमें धमाका होगा, ये सभी जानकारी। इसके अलावा दीपक नाइट्राइट किस तरह की कंपनी है, कितने इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कितने कंट्रीज में ये बिजनेस करती है, कैसे इसके फंडामेंटल्स हैं, ये सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में दी जाएगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या गुड न्यूज निकल के सामने आ रही है दीपक नाइट्राइट के शेयर में। देखिए दोस्तों, गुड न्यूज ये है कि जो ये दीपक नाइट्राइट के प्रमोटर हैं, जो उनकी कंपनी है स्टीफन क्रेडिट्स एंड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ने 21,900 इक्विटी शेयर बाय किए हैं। तारीख देख लीजिए, 24 मार्च 2022 को, यानी कि कल बाय किए हैं। इसके अलावा जो उनकी दूसरी कंपनी है स्टिग्मा क्रेडिट्स एंड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, उसने 10,900 इक्विटी शेयर बाय किए हैं मार्केट से। ये भी 24 मार्च की ही न्यूज है। कुल मिला के 32,800 इक्विटी शेयर बाय किए हैं दीपक नाइट्राइट में प्रमोटर्स ने। तो दोस्तों, यही पॉजिटिव न्यूज थी। प्रमोटर इस अपनी कंपनी पे इतना भरोसा कर रहे हैं कि मार्केट से शेयर खरीद रहे हैं। हम लोगों से ज़्यादा अच्छे से तो प्रमोटर जानते हैं कंपनी के बारे में। अगर वो लोग इस कंपनी को खरीद रहे हैं तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि कंपनी फ्यूचर में बेहद शानदार प्रदर्शन करने वाली है। शानदार उसका फ्यूचर है, शानदार उसके रिजल्ट्स रहने वाले हैं। रिजल्ट शानदार रहेंगे तो कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है वो भी आप लोगों को भागता हुआ दिखाई देगा। आइए दोस्तों, अब एक बार देख लेते हैं दीपक नाइट्राइट जो कंपनी है किस तरीके का बिजनेस करती है। उसके बाद आप लोग को बताएंगे जो इसका टारगेट है 4,000 का, वो कितने समय में ये अचीव करके दिखाएगा। देखिए दोस्तों, दीपक नाइट्राइट जो कंपनी है कोई नई कंपनी नहीं है। 50 साल से ये इस केमिकल के बिजनेस में काम कर रही है। 30 से ज़्यादा कंट्रीज में ये केमिकल को एक्सपोर्ट करती है, जो कि 6 कॉन्टिनेंट्स में फैले हुए हैं। 6 इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर है ये सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्राइट में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिनोल और एसीटोन है। अमंगेस्ट टॉप 3 ग्लोबल प्लेयर में आती है ये, जाइलडाइन, क्यूमिडाइन्स और ऑक्सीमाइंस में। 1,000 से ज़्यादा इसके कस्टमर हैं, 100 से ज़्यादा इसके प्रोडक्ट्स हैं। आइए आपको बताते हैं किस किस तरीके के केमिकल ये बनाती है और उसकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है। देखिए दोस्तों, जो ये बेसिक केमिकल बनाती है, जिसके अंदर आते हैं सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, नाइट्रो टोल्यूडिन, फ्यूल एडिटिव्स, जिसका इस्तेमाल किया जाता है कलरेंट्स में, पेट्रोकेमिकल्स में, रबड़ इंडस्ट्री में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल्स, वाटर ट्रीटमेंट, और जो ये फाइन और केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, जिसके अंदर जाइलडाइन, ऑक्सीमाइन, क्यूमिडाइन्स आते हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाता है एग्रोकेमिकल्स में, कलर और पिगमेंट इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज में। और बेसिक केमिकल से दोस्तों 17% का रेवेन्यू जनरेट होता है तकरीबन, और फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल से भी तकरीबन 17% का रेवेन्यू जनरेट होता है दीपक नाइट्राइट को। और दोस्तों, ये परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट और डाजा शामिल है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है पेपर इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कोटिंग इंडस्ट्री में, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, जहाँ से 6.93% रेवेन्यू जनरेट होता है कंपनी को। और फिनोल का भी ये बिजनेस करती है, जिसमें फिनोल, एसीटोन, क्यूमेंस, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ये बनाती है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है लेमिनेट और प्लाईवुड में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, एडहेसिव्स में, सैनिटाइजर में, रबर, केमिकल्स, पेंट्स में। यहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है दीपक नाइट्राइट को, 58.31%। ये 6 इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जिसमें से 3 गुजरात में है, 2 महाराष्ट्र में और 1 तेलंगाना में स्थित है। दीपक नाइट्राइट के कुछ शानदार क्लाइंट्स के बारे में आप लोग को बता देते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की क्लाइंट है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जाइडस कैडिला, बायोकॉन, जुबिलेंट इनवर्गिया, आदित्य बिरला, विरेगो, पीआई इंडस्ट्रीज, अतुल इंडस्ट्री, आरती इंडस्ट्री, ओलंपिक फार्मा, इंडियन ऑयल, और जो भी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं सभी कंपनीज इसकी क्लाइंट्स हैं। आइए दोस्तों, एक बार थोड़े से फंडामेंटल स्टडी कर लेते हैं दीपक नाइट्राइट कंपनी के। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 30,399 करोड़ की है। लार्ज कैप कंपनी है ये। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39.9% का मेंटेन है। रिटर्न ऑन इक्विटी 39.6% की मेंटेन है। लोअर हाई देख लीजिए, 1485 का लो और 2020 का हाई इस कंपनी ने लगाया है। फेस वैल्यू अभी 2 की चल रही है, यानी कि स्टॉक स्प्लिट करके आप लोग को एक्स्ट्रा शेयर का बेनिफिट भी ये कंपनी दे सकती है। आज दोस्तों, एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं दीपक नाइट्राइट का। एज ऑन मार्च 2015 कंपनी की सेल्स होती थी 1,327 करोड़, जो कि बढ़कर हो गई है 4,360 करोड़ एज ऑन मार्च 2021। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 140 करोड़ का कंपनी का होता था, जो कि बढ़कर हो गया है 1,252 करोड़ एज ऑन मार्च 2021। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 53 करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट होता था एज ऑन मार्च 2015, जो कि बढ़कर हो गया है 776 करोड़ एज ऑन मार्च 2021। आप देख सकते हैं कितना शानदार जंप इसके नेट प्रॉफिट में हम लोग को दिखाई दे रहा है। कोई कंपनी इतना ज्यादा नेट प्रॉफिट में जंप करके दिखाई की तो उसके शेयर प्राइस में भी मोमेंटम कॉरस्पॉन्डिंगली आप लोग को दिखाई देगा या नहीं देगा दोस्तों।
आइए दोस्तों देख लेते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ क्या चल रही है कंपनी की। 5 साल से 26% की मेंटेन है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 5 साल से 65% पर एनम का मेंटेन है। स्टॉक प्राइस का सीएजीआर देख लीजिए, 1 साल में 45% के रिटर्न, 3 साल से लगातार 102% पर एनम के रिटर्न बना के दे रहा है, 5 साल से लगातार 79% पर एनम के हिसाब से रिटर्न बना के दे रहा है, 10 साल से लगातार 66% पर एनम के हिसाब से रिटर्न बना के दे रहा है। कितने शानदार रिटर्न बना के दे रहा है, ना केवल आज से बल्कि पिछले 10 सालों से, और आगे भी इसी तरह का रिटर्न बना के देता रहेगा दीपक नाइट्राइट का शेयर। है दोस्तों एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। एज ऑन दिसंबर 2021 प्रमोटर के पास 45.69% की होल्डिंग है, एफआईआई के पास 8.84% की होल्डिंग्स है, डीआईआई के पास 10.74% की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 34.73% की होल्डिंग है। आज दोस्तों एक बार दीपक नाइट्राइट का चार्ट देखिए दोस्तों, क्या शानदार रिटर्न इसने बना के दिए हैं। 12,449% के धुआंधार रिटर्न, पैसे को 125 गुना कर दिया है इसने सिर्फ 12 सालों में। तो इतनी शानदार कंपनी में आप निवेश नहीं करेंगे तो फिर कैसे शेयर मार्केट से पैसा कमा पाएंगे। तो दोस्तों इसका जो टारगेट है 4,000 का, उसको ये 1 साल से भी कम समय में अचीव करके दिखाएगा। 4,000 का टारगेट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दीपक नाइट्राइट कंपनी के लिए, तो आप लोग को इस कंपनी में जरूर निवेश करना चाहिए। आप लोग पूरा डिटेल में आप देख चुके हैं कि कंपनी किस तरह की है, फंडामेंटल्स बिजनेस सब समझ चुके हैं, तो आप लोग खुद डिसीजन ले सकते हैं कि आप लोग को इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस हो सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, ताकि वो लोग भी दीपक नाइट्राइट जैसी कंपनी में पैसा लगाकर अच्छी खासी वेल्थ बना सके शेयर मार्केट से। अभी इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।